मात्राएं बोले तो मतलब सिंबल्स, मात्राएं मतलब सिंबल्स। आ की मात्रा, आ आ की मात्रा। ई की मात्रा, ई ई की मात्रा। ऊ की मात्रा, ऊ ऊ की मात्रा। रू रू की मात्रा। ए की मात्रा। आई आई की मात्रा। ओ की मात्रा। औ औ की मात्रा। अम की मात्रा। आह आह की मात्रा। आ आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उसका उदाहरण त। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ आ की मात्रा त प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू त। ई की मात्रा ता प्लस ई की मात्रा ती। ई की मात्रा ता प्लस ई की मात्रा ती। ऊ की मात्रा ता प्लस ऊ की मात्रा तू। रू की ऊ की मात्रा ता प्लस ऊ तू। रू की मात्रा ता प्लस रू की मात्रा इज इक्वल टू रू। ए की मात्रा ता प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू ते। आई की मात्रा ता प्लस आई की मात्रा इज इक्वल टू ताई। वो की मात्रा ता प्लस ओ की मात्रा इज इक्वल टू तो। आउ की मात्रा ता प्लस आउ की मात्रा इज इक्वल टू ताऊ। अम की मात्रा ता प्लस अम की मात्रा इज इक्वल टू तम। अह की मात्रा ता प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू तह। आह की मात्रा ता प्लस आह की मात्रा इज इक्वल टू तह। फिर से दोहराइए। स्वर स्वर के कितने अक्षर? 13 अक्षर। स्वर के कितने अक्षर? 13 अक्षर। आ ई रू ये आई वो औ अम आह। 13 अक्षर स्वर के, 13 अक्षर। व्यंजन क ख ग घ न्या चा छा जा झा न्या ता था द ढ ना त था द ध ना प फ ब भ म या र ल व शे शा सा हा। ये हुए व्यंजन कंसोनेंट्स। व्यंजन के कितने अक्षर है? 33 अक्षर। व्यंजन के कितने अक्षर है? 33 अक्षर। समेत व्यंजन कमेंट लेटर्स क्ष त्र ज्ञ शा। अक्षर कितने हैं समेत व्यंजन के? 4 अक्षर। अब मात्राएं, मात्राएं सिंबल्स। आ आ की मात्रा, आ की मात्रा। ई की मात्रा, ई की मात्रा। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा। रू की मात्रा। ए की मात्रा। आई की मात्रा। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। अम की मात्रा। अह की मात्रा। आगा कोई मात्रा नहीं होता, आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा अ ता प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू ता। ई की मात्रा ता प्लस ई की मात्रा इज इक्वल टू ती। ई की मात्रा ता प्लस ई की मात्रा इज इक्वल टू ती। ऊ की मात्रा ता प्लस उ की मात्रा इज इक्वल टू तू।
मात्रा इज इक्वल टू थ्रू ए, ए की मात्रा त प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू ते, आई, आई की मात्रा त प्लस आई की मात्रा इज इक्वल टू ताई, ओ, ओ की मात्रा त प्लस ओ की मात्रा इज इक्वल टू तो, आओ, आओ की मात्रा त प्लस आओ की मात्रा इज इक्वल टू ताओ, अम, अम की मात्रा त प्लस अम की मात्रा इज इक्वल टू तम, अह, अह की मात्रा त प्लस अह की मात्रा इज इक्वल टू अह, तह। तो आज के लिए इतना काफी है, इसे दोबारा घर में पढ़िए।